हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब चिटचैट विद मन्नू। सो गाइस, आज का वीडियो सारे ही व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस टीना दत्ता के बारे में, जो कि इन दिनों आपको दिखाई दे रही हैं बिग बॉस 16 के हाउस में, जहां पर उनका गेम काफी सारे व्यूअर्स को पसंद भी आ रहा है, तो एक तरफ काफी सारे व्यूअर्स उनके गेम को नापसंद भी कर रहे हैं। हालांकि गाइस, उनके गेम से रिलेटेड सारी चीजें तो टेलीविजन पर है, जो कि व्यूअर्स इजीली देख सकते हैं, बट आज के वीडियो में हम उनकी लाइफ के कुछ एक ऐसे सच आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि काफी टाइम से पर्दे में है और आप लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जी हाँ गाइस, आप लोग को याद होगा जब सलमान ने टीना को वेलकम किया था बिग बॉस 16 के फर्स्ट डे पर, तो उस टाइम पर टीना ने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि वो फिलहाल सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। सो गाइस, ये चीज तो हमें पता है कि टीना सिंगल हैं, बट गाइस उस सबके पीछे का असली रीजन क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला सच है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीना दत्ता का जन्म 27 नवंबर 1986 को कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुआ। बात करें उनकी फैमिली की, तो उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक यंगर ब्रदर भी हैं। वो एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मेघमाला रॉय एजुकेशन सेंटर से कंप्लीट की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल से कंप्लीट की। बात करें उनकी क्वालिफिकेशन की, तो गाइस वो ग्रेजुएट हैं। टीना को बचपन से ही एक्टिंग एंड डांसिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था एंड वो एक वेल ट्रेंड डांसर भी हैं। हालांकि उन्होंने कोई भी एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, जो भी गाइस वो एक्टिंग करती हैं वो उन्होंने खुद से ही इम्प्रूव की है। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग 1992 में बंगाली सीरियल सिस्टर निवेदिता में एज चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। जी हाँ गाइस, उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि गाइस उन्होंने शुरुआत हिंदी से नहीं बल्कि बंगाली फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज से करी थी, बिकॉज वो बंगाल से बिलोंग करती हैं और उनकी स्टार्टिंग में हिंदी और इंग्लिश पर बिल्कुल भी अच्छी पकड़ नहीं थी, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में शोज और टीवी सीरियल्स करती थी। हालांकि गाइस, बंगाल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा काम करने के बाद भी टीना को कोई खास सक्सेस नहीं मिली थी। हालांकि उस इंडस्ट्री में उन्होंने काफी बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी फिल्मों में काम किया हुआ है, जिनमें से एक दो फिल्म को काफी अच्छी सक्सेस मिली थी और उनके कैरेक्टर को काफी पसंद भी किया गया था। हालांकि गाइस, उन्होंने एक टाइम पर ये चीज डिसाइड कर ली कि उन्हें हिंदी इंडस्ट्री की तरफ रुख करना है, जिसके लिए उन्होंने मुंबई शिफ्ट होना बिल्कुल करेक्ट समझा और ऑडिशंस देना शुरू किया। जर्नी के स्टार्टिंग में टीना को काफी ज्यादा रिजेक्शंस फेस करने पड़े, बिकॉज उनकी लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज होते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी इस मिस्टेक को इम्प्रूव करा और इंग्लिश एंड हिंदी पर अपनी अच्छी पकड़ कर ली, और उसके बाद उन्हें काफी सारे शोज में साइड रोल्स मिले। हालांकि गाइस, इतना ज्यादा काम करने के बाद भी उन्हें वो फेम नहीं मिल पा रहा था जो वो गेन करना चाहती थी। बात करें उस फेम की, तो वो उन्हें मिला कलर्स टीवी के शो उतरन में इच्छा के कैरेक्टर से। इस कैरेक्टर के जरिए उन्हें घर घर में पहचान मिली। इस शो को हर एक एज ग्रुप के लोगों ने पसंद किया एंड रातों रात वो सुपरस्टार बन गई थी। इसी कैरेक्टर के लिए उन्हें काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिले एंड इस सीरियल में उन्होंने पूरे 6 ईयर्स तक काम किया था। पहले उन्होंने इच्छा का कैरेक्टर प्ले किया था एंड उसके बाद उन्होंने मीठी का कैरेक्टर प्ले किया था। सो गाइस, इस शो में उनका जो काम था वो ब्लॉकबस्टर था एंड ये शो भी सुपर डुपर हिट रहा था। इसमें उनकी को एक्टर थी रश्मि देसाई एंड इन दोनों को ही इच्छा एंड तपस्या के कैरेक्टर से आज तक जाना जाता है, जिसके बाद उन्होंने रियलिटी शोज झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी एंड काफी सारे कॉमेडी शोज में भी पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद उन्होंने शनि एंड डायन जैसे शोज भी करे, जिसमें भी उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया एंड वो टेलीविजन की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, और इसीलिए वो फिलहाल हमें बिग बॉस 16 के हाउस में दिखाई दे रही हैं। सो गाइस, ये तो रही टीना की प्रोफेशनल लाइफ। अब हम नजर डालते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर।
सो गाइस, करियर के स्टार्टिंग में टीना ने साउथ की फिल्मों का भी रुख किया था, इसीलिए उस टाइम पर काफी छोटी एज में ही उन्होंने साउथ के ही फिल्म प्रोड्यूसर महेश कुमार जायसवाल को डेट करना स्टार्ट किया था। इन लोगों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा सीरियस था। उस टाइम पर टीना जो थी वो काफी यंग एज में थी एंड उन्हें महेश से बे इंतहा मोहब्बत थी। हालांकि गाइस, कहा जाता है कि उस टाइम पर महेश शादी करना चाहते थे और टीना इस सब के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शादी से मना कर दिया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद उनका नाम जुड़ा बिजनेसमैन परेश मेहता के साथ में। इनके साथ भी टीना आए दिन पिक्चर्स में देखी जाती थी। सो गाइस, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था कि टीना दो रिलेशंस में रही थी जो कि काफी लंबे टाइम के थे और उन्होंने कभी भी मीडिया से कुछ भी नहीं छुपाया था। बट गाइस, सभी फैंस को शॉक तब लगा जब टीना ने आज से कुछ साल पहले मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ये चीज पूरी तरीके से क्लियर की कि वो अपनी लाइफ के यंग एज में ही एक पर्सन के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी जो कि 5 इयर्स का था एंड उस टाइम पर वो पर्सन उन्हें मारा भी करते थे, गालियां भी दिया करते थे एंड उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज़ उनके रिलेशन में नहीं बची थी। इवन उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हुआ करती थी उस टाइम पर भी उन्हें वो पर्सन अब्यूज़ करते थे, उन पर हाथ भी उठाया करते थे। हालांकि इस चीज़ का टीना ने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया और वो ये सारी चीज़ें टॉलरेट करती रही बिकॉज उन्हें लग रहा था कि उस टाइम पर वो प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी खो दी थी। एक टाइम तक उन्होंने सारी चीज़ें बचाई थी बिकॉज वो इस रिश्ते को बना के रखना चाहती थी, बट जब हद हो गई और उन्हें लगा कि वो अपने आप के साथ में ज्यादती कर रही हैं और इस पर्सन को क्या राइट है कि वो उनकी लाइफ को डिसाइड करे, उन्हें कंट्रोल करे एंड गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा यंग भी थी तो उनमें उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी कि वो अपने लाइफ डिसीजंस अच्छे से ले सके। हालांकि गाइस, उस टाइम तक वो अपना काफ़ी लॉस भी करवा चुकी थी बिकॉज अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स उन्होंने उस पर्सन को ही दे दिए थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी और इस सब की वजह से टीना डिप्रेशन में भी चली गई थी और पूरे 5 साल के लंबे टाइम तक उन्होंने ये सारी चीज़ें टॉलरेट करी थी। बट एक टाइम के बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उस टाइम पर उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। हालांकि गाइस, उन्होंने ये चीज़ एग्जैक्टली कभी रिवील नहीं की कि वो इस टाइम पर अपने किस बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। क्या वो प्रोड्यूसर महेश कुमार जायसवाल के बारे में बात कर रही हैं या फिर बिजनेसमैन परेश मेहता के बारे में या फिर गाइस, ये गाय कोई नॉन इंडस्ट्री से ही था। बट गाइस, वो इस रिलेशन में पूरे 5 साल तक रही थी एंड 2015 में उन्होंने इस रिलेशन को ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया था। टीना बताती है कि वो हमेशा से ही लव मैरिज करना चाहती थी और इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रही थी। बट गाइस, उन्हें लगता है कि उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही है और अब उन्होंने सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ दी हैं, इसीलिए उन्होंने बिग बॉस 16 में आने के टाइम पर भी ये चीज कही थी कि वो सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल हैं। सो गाइस, आई होप आप लोग के काफी सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हुए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।